हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, कि जो आपके इक्वेशन दे रखी होगी उसका हमें रेसिप्रोकल रूट्स निकालने होंगे। कैसे निकाला जाता है वो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और ये जो टॉपिक है वो टॉपिक जो रिलेटेड कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन चैप्टर से। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया है, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन ऑफ द इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके हमें रेसिप्रोकल रूट्स निकालना है वाला एक इक्वेशन निकालना है। तो ये हमारा इक्वेशन है, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसे करने के मेरे पास दो तरीके हैं और मैं दोनों के दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या इक्वेशन कंप्लीट है या नहीं है। तो इक्वेशन देखिए कंप्लीट है, अगर नहीं होती तो पहले आपको कंप्लीट बनाना होता। तो इक्वेशन जो कि कंप्लीट है तो हमारा काम आसान हो गया है। अब देखिए क्या करना होता है, लास्ट से देखना होता है। माइनस के 12 है तो डिग्री कितनी, एक्चुअली एक्स की पावर 4 है ना, तो यहाँ माइनस के 12 एक्स 4 हो जाएगा। फिर 11 पॉजिटिव का 11 एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर पॉजिटिव का 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के 4 एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पीछे से देखते हुए जाना है, एक्स फोर एक्स क्यूब चिन्हों का ध्यान रखना है। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये है रेसिप्रोकल रूट्स वाले इक्वेशन निकालने के लिए। दूसरा मेथड ये है कि आप जहाँ जहाँ गिवन इक्वेशन है वहाँ बस 1/x पुट कर दीजिए बस। ये शॉर्ट का आपको ना इस मेथड में ना आपको कंप्लीट बनाना करना होता ना कुछ, बस इक्वेशन दे रखी है वहाँ पर 1/x पुट कर दीजिए रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब होता है 1/अपॉन में, है ना। तो जो गिवन इक्वेशन दे रखी थी इस इक्वेशन में x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 1/x, और फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, और जो भी नीचे रहा होगा वो बढ़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तिरछा, फिर वो तो जीरो ही हो जाना है। यानी कि आपको जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 12x की पावर 4 माइनस 11x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 जीरो। तो दोनों ही मेथड में आंसर आपका सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं होगा। आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।